इतना बुरा हालत है मेरा दिल का, सुबह बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। फिर भी क्या करूं, काम तो करना पड़ेगा। आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। हैप्पी बर्थडे मिच्चू। ओह माय गॉड चीचू, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, थैंक यू सो मच। अरे मेरी एकलौती साली का बर्थडे है, मैं कैसे भूल जाऊं, ऐसे हो सकता है क्या? ओ तेरा हैप्पी बर्थडे, ओ तेरा हैप्पी बर्थडे, ओ तेरा हैप्पी बर्थडे। और साल पुरानी हो गई तेरी अलर जवानी। चलो 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 चलो, हम दोनों को आज पार्टी मनानी है। हम मैंने पूरा सारा का सारा तैयारी कर रखा है, चलो। ट्विन से ये बात जानने के बाद भी गोमो मुझे क्विज नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है कि गोमो मिचू का बर्थडे जानते हुए मेरे बर्थडे भूल सकता है? ओ माय गॉड, क्या होता जा रहा है मेरे गोमो को? ये गोमो पागल तो नहीं हो गया है? दिन रात मिचू के लिए गाना गाता रहता है, मैं तो सो भी नहीं पा रही हूँ, क्या हो रहा है? ओह माय गॉड, तुम तो एकदम एंजल की तरह दिख रही हो। आज पूरा दिन बीत जाने के बाद भी गोमो ने एक बार भी मुझे विश नहीं किया, एटलीस्ट मुझे एक बार देख लिया होता। ओ पिच्चू, तुम इतनी रात हुआ रेस्ट नहीं कर रही हो? ओ अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं। एक्चुअली मैंने ना एक मिच्चू की बर्थडे के लिए एक पार्टी थ्रो किया है, तुम चाहो तो आ जाओ मेरे साथ। मुझे पता है तुम्हें पार्टी वार्टी इतना पसंद नहीं है, तुम थोड़ा घरेलू बोरिंग टाइप की लड़की हो ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, 5 मिनट में जल्दी से तैयार होके आ जाओ। हाँ, तुम्हें ज़्यादा मेकअप वेकअप करने का शौक नहीं है, लेकिन एक ढंग का कपड़ा पहन के आ जाओ, जैसे काम वाले जैसे ना लगो लोगों के सामने। हाँ पिच्चू, एक काम करना, हम दोनों ना ऊपर जा रहे हैं, पार्टी के जगह पे जा रहे हैं हम दोनों, तुम आ जाना तैयार होके 5 मिनट के बाद। ओके बाय।